6.3.1 समुद्री यात्राएं और भौगोलिक खोज। जिस समय कॉपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज में लगे हुए थे, उसी समय यूरोप के नाविक दूर दराज के महाद्वीपों तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे। उन दिनों लोग किनारे किनारे तो समुद्र में यात्रा करते थे, लेकिन गहरे समुद्र में कम ही यात्रा करते थे। इसका मुख्य कारण था समुद्र का कोई नक्शा न होना जिसकी मदद से रास्ता पता कर सके। इस कारण समुद्र में यात्रा करने के लिए एक ही उपाय था, तारों व ग्रहों का अवलोकन और उनकी मदद से पृथ्वी पर अपनी स्थिति का पता लगाना और रास्ता निर्धारित करना। समुद्री यात्रा करने वाले नाविक धन की खोज में निकलते थे। कई नाविक इस उद्देश्य से निकलते थे कि नए देशों में ईसाई धर्म को फैलाएंगे और इससे उन्हें श्रेय और पुण्य मिलेगा। तत्कालीन राजाओं ने भी नाविकों की सहायता की ताकि समुद्र में दूर तक यात्रा करके नए देश, खासकर भारत और चीन तक पहुंचने के नए रास्ते खोज सकें। इन नाविकों का अनुमान था कि अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। यदि दुनिया चपटी ना होकर गेंद की तरह गोल है, तो पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए पश्चिमी समुद्र मार्ग से भी यात्रा की जा सकती है, अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके चीन के पूर्वी भागों में पहुंचा जा सकता है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सन 1498 में अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केरल के कालीकट पहुंचा। इससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्वीप समूहों पर पहुंचा था। कोलंबस को यह पता नहीं चला कि वह एक नए महाद्वीप पर पहुंचा था। वह यही सोचता रहा कि यह भारत का कोई हिस्सा है और इसे वह इंडीज और वहां के निवासियों को इंडियन मानता रहा। बाद में एक पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेसुपिक्की ने स्थापित किया कि यह एक नया महाद्वीप है। उसी के नाम से इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इसके कुछ वर्ष बाद एक और नाविक मैगेलन ने तय किया कि वह जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर यह सिद्ध करेगा कि पृथ्वी गोलाकार है। वह इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके अन्य साथियों ने यात्रा पूरी की। केरल के गणितज्ञ 14वीं से 16वीं सदी। भारत में केरल प्रांत में 14वीं से 16वीं सदी के बीच गणितज्ञों की एक विशिष्ट परंपरा थी। इस परंपरा के प्रमुख गणितज्ञ माधव नीलकंठ सोम्याजी, परमेश्वर, नारायण भट्टत्री आदि थे। इन गणितज्ञों ने खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित कई नई खोज की। इनकी प्रमुख खोजों में कैलकुलस के प्रारंभिक सिद्धांत सम्मिलित थे, जिन्हें बाद में आइजैक न्यूटन ने फिर से यूरोप में खोजा और उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को स्थापित करने के लिए इनका उपयोग किया। लेकिन किन्हीं कारणों से केरल के इन गणितज्ञों का काम आगे बढ़ नहीं सका और न ही उनकी खोजों का प्रसार हो पाया।